ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी कलर होने वाली है। जी हाँ, इसको हम करने वाले हैं, इसके ब्रेक जो आगे के देख रहे हैं कैलिपर, इनको करने वाले हैं रेड। और इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं जल्दी से पीछे वाले ड्रम पे। जी हाँ, ये पीछे जो देख रहे हैं आप ड्रम, इसको भी करने वाले हैं रेड। तो उस्ताद जी लग चुके हैं जेक वेक लगा के, और जेक लगाने के बाद में टायर खोलेंगे, और उसके बाद में इस पर कलर करेंगे और काम अच्छा। तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करना है, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए कितने में ये काम किया है और कितने में नहीं। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इनसे काम करवाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी जरूर दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएँ, वीडियो को लाइक कर बगैर ना जाएँ। धन्यवाद भाई का काम भी हमारे गुल उस्ताद का। भाई का काम इसलिए है क्योंकि भाई आज थोड़ा विशेष प्रकरण में आए हुए हैं, और इधर हमारे भाई लगे हुए हैं जो कभी किसी को ना नहीं बोलते हैं। इनके सब इनके पास में ना नाम की चीज़ नहीं। हाँ, हो जाएगा। तो फिर आ चुके हैं भैया जुगाड़ वाले आदमी के पास, और जो भाई लोग वो कमेंट किए थे भाई वो तूफान उफान बनवाना है, कलर करवाना है उसमें, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लें भाई से। भाई का गेटअप ही चेंज हो गया भैया, यहाँ आके दाढ़ी भी रंगली भाई ने, मतलब बहुत कर रहा काम चल रहा है। और ये भैया इनकी लोकेशन ये देख लो, ये मनावर से इंदौर वाला रोड है। जस्ट आओगे तो आपको दूर से अलग ही पहचान ही आदमी की, 10 गैरेज होंगे उसमें भी आदमी को पहचान लोगे आप। तो भैया ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, भैया की तारीफ ऐसी होती है। खुल के लगा लिया वो पैरदान लगाने के कारण जेक नहीं लग रहा इतना हैवी। तो अब भैया ने यहाँ आने कहाँ लगा दिया जेक, अब क्या पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। घोड़ी बोड़ी लगाएंगे शायद, लग रहा मेरे को कड़कड़ की आवाज़ भी आ रही है, पर पता नहीं क्या है। जेक तो लग गया अभी, तो देख लो आप। ये खुल गया देखो भैया, ये खुल गया है। इसके बाद में देखो ये इस टाइप से लगता है, ये देख सकते हैं। अभी आम पे घोड़ी लगा रखी है, और इसको घोड़ी बोलते हैं भैया, ये इसको पता नहीं क्यों बोलते हैं, पता नहीं क्या है, बट ये देखें ऐसा कुछ है। और ये होने वाला है भैया ये सिल्वर कलर को लाल, ये जो देख रहे हैं अभी रियलिटी टी वी एस का है ये भैया। ये मारुति की गाड़ी है बट टी वी एस का इसमें कैलिपर है, देख रहे हो तुम। फटाफट इतना फटाफट काम हो रहा है, देखो भैया ये इधर भी खोल दिया है। और आपको ब्रेजा का पीछे वाला सस्पेंशन दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये इस टाइप का लगा रहता है, ये देखें इतना। और ये स्प्रिंग देखें, ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल का स्प्रिंग हो। और ये ड्रम देखो आप, इसमें भी जंग लगने लगा है, इसलिए इसको हम ब्रेक करने वाले हैं। ये कुछ इस टाइप से है, अब इसको चेंज करके बताएंगे फिर आपको। ख़तरनाक काम चल रहा है, ये फड़ फड़ खुल लिया हमने टायर, देखो यहाँ से भी खुल लिया, यहाँ से भी खुल लिया, ये देखो इसको पार कर ली अपनी देखो। और ये देख रहे हो आप पूरा एकदम पूरा डिज़ाइन बन रहा है इसमें, फूल का घूमता घूमता है ना। देखो मोबाइल घूम रहा है, तुमको लगेगा कि टायर घूम रहा है ये। और ये देखो ये पूरा खुल गया भैया, इधर से भी इधर भी लगा दिया जेक कने, कहाँ लग गया भैया, कहाँ लगा दिया भैया ये जेक, आर्म पे लगा दिया भैया ने जेक। अब देखते हैं भैया, ये आ गया कलर बिलर आ गया है, अब ये गन वन लग गई है। अब देखो परमानेंट ओरिजिनल काम किया जाएगा, ये रेड कलर लगाने वाला है इसमें चेरी कलर का। तो पहले इसको क्लीन करा जाएगा, ये जो दिख रहा है डस्ट पार्टिकल आयल वाइल तो नहीं लगा, इसको धो धा के, ये जो देख रहे हैं ना अभी, इसको धो धा के एकदम क्लियर करके फिर लगाया जाएगा। जेन्युइन प्रोडक्ट आपको दिखा देते हैं, ये थिनर यूज़ किया जाता है ये वाला, और इसमें हार्डनर है जो पेंट को जल्दी सूखने में मदद करेगा। और ये वाला कलर हम यूज़ कर रहे हैं जो निपोन का है, तो ये देख सकते हैं आप एकदम जनरल प्रोडक्ट और क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें भाई साहब। क्वालिटी देखते हैं फिर इसके बाद में कि लगने पे गाड़ी पे कैसा लगता है ये। तो ये देख सकते हैं इस कंपनी का है ये प्रोडक्ट, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, आपको बता रहे हैं कि इस टाइप की क्वालिटी इन्होंने भाई साहब ने यूज़ करी है। ये देख सकते हैं आप, ये निपोन पेंट, तो इस टाइप के पेंट वगैरह यूज़ होते हैं। और ये थिनर से पहले भाई साहब इसको क्लीन करने वाले हैं, बैकग्राउंड में कंप्रेसर का साउंड ज़्यादा था इसलिए इसको डब करना पड़ा मुझे। और ये देख सकते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का डस्ट या ऑयल या किसी प्रकार का पार्ट होगा तो वो निकल जाएगा, इसलिए इसको वो थिनर से क्लीन कर लिया उन्होंने पहले से ही। ये जो भी केमिकल इसमें लगा होगा सब निकल जाएगा थिनर से, फिर डायरेक्ट कलर लगा देंगे इसमें। ये भी नया तरीका भैया, मजाक खुलना है। तो कुछ इस तरीके से कलर को मिलाया जाता है, कपड़े से छान के यूज़ किया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार का गाढ़ापन या ऐसा कुछ पार्ट ना हो जो स्प्रे करने में प्रॉब्लम करे।
ये हो गया भैया काम, ब्रेजा का देखो कैसी खड़ी है, देखो रेड कलर में, काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा था भैया, कलर ही नहीं कोई करके दे रहा था यार, हाथ पे जोड़ लिया मैंने, आखिर में करवाना ही पड़ा सर मेरे को। ये देखो रेड कलर में क्या गजब का लुक आ रहा, देख सकते हो रोड पे खड़ा था, बम्पर ही लटक गया गाड़ी का, देखो उस्ताद काम कर रहे हैं भैया, बम्पर तोड़ रहे हैं भैया, देखो भैया। तो भैया कुछ टाइम से हो चुका है कलर, और देखिए कलर की क्वालिटी देख सकते हैं, और कलर की शाइनिंग देखें आप, इतना गजब का लुक आ रहा है। उसके बाद में टेल लाइट लगने के बाद में फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा, आपको कैसा लगा ये लुक जरूर बताइए, और कलर की क्वालिटी और कलर कैसा लग रहा है इसमें ये बताइएगा। आगे का ये कैलिपर भी देखें, काफ़ी गजब का कलर इस पर निखर के आया हुआ है और काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है। तो ये देखें अब इसको सूखने के बाद में जो आप बाकी की चीज़ देख रहे हैं, अब जो फैला हुई है गाड़ी चलेगी, ब्रेक लगेगा तो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, तो आप लोग उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं क्वालिटी, और काफ़ी समय भी हो चुका है। तो भैया इससे क्या फ़ायदा होगा गाड़ी में? तो कलर की उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी और क्या होगा, ये भट्टी में तपाने जैसा काम होगा, पपड़ी नहीं मारेगा। देख लो भैया खतरनाक काम है भैया, नंबर ले लेना आप तो डिस्क्रिप्शन में, और फ़ोन लगा लेना भैया को। कौन सा पैटर्न हो गया भैया? भट्टी पैटर्न हो गया, जुगाड़ काम कर। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा एकदम भट्टी टाइप का हो जाएगा, और प्योर ऐसा हो जाएगा कि शाइनिंग भी ख़त्म नहीं होगी और ऐसा ही चमकेगा। वाह यार मनोज भाई, यार काम है यार तुम्हारा, यार जेन्युइन आदमी का जेन्युइन काम, साइंटिस्ट एकदम। तो भैया जिसको भी करवाना काम भैया फ़ोन लगा लेना, एकदम डिस्क्रिप्शन में से लेके जेन्युइन काम मिल जाएगा तुमको। गाड़ी मॉडिफिकेशन कराना, गाड़ी बनवाना हो, गाड़ी कलर करवाना हो, सारे काम हो जाएंगे। डिमांडेड आदमी है भैया, बहुत दूर दूर से आते हैं भैया के लिए काम कराना है। हाईवे के ऊपर ही मिल जाएगा, हॉर्न सुन रहे हो, ट्रक वाले बजाते जा रहे हैं वीडियो में। हाँ जी कहाँ खो गए देख रहे हो आप, रात से सुबह हो गई है। जी हाँ कल नाइट ज़्यादा हो गई थी इसलिए कुछ बना नहीं पाए वीडियो उसको। बाकी अलावे लगने के बाद में आप फाइनल लुक देख सकते हैं अब इसका, और कैसा लग रहा है हमें बताइएगा। देखें इसके और कुछ सिनेमेटिक शॉट इसके आगे भी देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो और देखिएगा, यहाँ तक देख लिया हो तो आपने, तो ये देखें अलावे लगने के बाद में टोटल उसकी क्वालिटी और टोटल उसका कलर का लुक देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। तो रिंग वाला पैटर्न भी बनाया अंदर, दिख रहे हैं आपको ये, दिख रहा है ये, इसमें रिंग भी दिखेगी अभी। तो ये लुक है भाई फाइनली, अब आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो ये कलर करने के बाद में कैसा लग रहा है आप लोगों को बता देना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब भी कर लेना भैया, थोड़ी बहुत मेरी मदद भी आप लोग कर दिया करो यार, इतना अच्छा कंटेंट दिखा रहा हूँ आपको, कलर वलर करके किस टाइप से लुक आ रहा है। देखो हमने इसमें रिंग वाला भी पैटर्न बनाया है।